नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज मैं आपको ले चलता हूं एलनाबाद के नगर पालिका कार्यालय में, जहां पे आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के एक मीटिंग करने जा रही हैं। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तहत एक मीटिंग का आयोजन किया गया है कि इस मीटिंग में ये फैसले लिए जाएंगे कि किस प्रकार से घेरा डालना और किस प्रकार से डेरा डाल के वहाँ पे बैठना है, डेरा जमा के बैठना है। तमाम जो नेता हैं उनके कार्यालयों के आगे, उनके आवास स्थानों के आगे, कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो इस तरह का कदम उठाने के लिए प्रयास करेंगी और इस तरह का कदम उठाने से परहेज भी नहीं करेंगे। तो इस संबंध में आज यहाँ पे मीटिंग आप देख सकते हैं, तमाम जिले की आशा वर्कर यहाँ पे पहुँची हुई है। मीटिंग में किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, यहाँ पे तमाम इनके जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है। पहले भी आप आंदोलन लड़के आई हैं, काफी ने देखा होगा कि हम उस आंदोलन में जाते रहे आपके साथ। की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है यह है कि हमारे सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है और 28 तारीख को हमारा सर्व कर्मचारी संघ और सीटू के साथ जेल भरो आंदोलन में, उसमें हम फुल तैयारियां, हमारी आशा वर्करों की जो ब्लॉक वाइज हम मीटिंग ले रहे हैं उसकी बहुत ज़बरदस्त तैयारियां कर रही हैं ताकि हमारी नोटिफिकेशन सरकार जारी करें। ये घेरा डालो और ये प्रदर्शन है, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा हमारा और हमारे सिर्फ मतलब कि हरियाणा जिले की 22,000 आशा वर्कर है, वो सारी बढ़ चढ़ के भाग लेगी और कूच करेगी और सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है उन्हें जगाने का प्रयास करेंगे। हम भी हम आपको सोने नहीं देंगे, जो हमारी मांग मुद्दे है वो जल्दी से हमारा या तो नोटिफिकेशन जारी कर दो वरना फिर हम अनिश्चितकालीन करनाल में 16 जुलाई को जाएंगे और वहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना देंगे और वहाँ से खड़े तभी होंगे जब हमारा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं CI2 से संबंधित आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर ये प्रोग्राम चलाए गए हैं। इस प्रोग्राम का चलाने का हमारा उद्देश्य है कि धरातल तक जो आशाएँ हैं, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी है, इसी प्रकार टीम के रूप में एक वर्क करके प्रदेश सरकार के सामने कच्चों को और पक्कों को प्लस परियोजना में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को सरकार के सामने विरोध प्रकट करते हुए अपनी मांगों को मनवाएं। 742 जिलों में ये जेल भरो आंदोलन का प्रोग्राम होगा जिसके अंदर तमाम विभागों में लग रहे कच्चे कर्मचारी हों चाहे पक्के हों चाहे परियोजनाओं में लग रही आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनवाड़ी हो, तमाम उसमें हिस्सा लेगी। प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को स्पष्टता के साथ ये बताना चाहते हैं कि समय रहते इन कर्मचारियों की, इन परियोजनाओं में लग रही बहनों को, माताओं को, इनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे इसके बाद में सर्व कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ और CI2 के नेतृत्व में मिल करके एक मजदूर और किसान की एक ऐतिहासिक रैली रख के और उसको एक नया मोड़ देते हुए इसको राजनीतिक में बदलने का प्रयास करेगा। सरकार से कहते हैं, यही कहना चाहेंगे कि समय रहते इनकी मांगों को है तुरंत लागू किया जाए, इसी को लेकर के आज की बैठक बुलाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।